नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालबा तहसील में गो तस्करों की पिटाई कर हत्या करने का मामला सामने आया है। ट्रक में लगभग 2 दर्जन से अधिक गोवंश को बेरहमी से ठूस ठूस कर भरा हुआ था। पूरा मामला सिवनीमालबा तहसील के बराखड़ गांव का है, जहां गो तस्करों को रोककर उनकी बेतहाशा पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे, तो वहीं डीआईजी एसपी कलेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे की घटना है, जिसमें ट्रक अवैध रूप से गोवंश लेकर जा रहा था, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती के लोग थे। इनके साथ 10 से 12 लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उपचार के दौरान एक की मौत हुई है। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, साथ ही अवैध गोवंश का मामला भी दर्ज किया गया है। सर, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रात में करीब 12:30 बजे की यहाँ बराखड़ गाँव की घटना है। इसमें एक ट्रक जो है महाराष्ट्र पासिंग का अवैध गोवंश लेकर जा रहा था, जिसमें 3 अमरावती के निवासी थे। इस ट्रक को रोका गया और करीब 10 से 12 लोगों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों को अस्पताल भर्ती किया गया और उपचार के दौरान जो है उनमें से एक की मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम के बाद 302 धारा की FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और अवैध गौवंश की भी FIR जो है वो कर ली गई है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी का दौर चालू है।